भाजपा युवा नेता ने बहादुरपुर और नागुलखेड़ा क्षेत्र का दौरा किया। बीती रात जिले में केला फसल को आंधी तूफान बारिश से नुकसान पहुंचा है। इसकी जानकारी लगने पर भाजपा नेता हर्षवर्धन नंदकुमार सिंह चौहान ने प्रभावित फसलों का निरीक्षण किया। किसानों को सांत्वना देते हुए जल्द मुआवजा राशि दिलाने की बात कही। साथ ही उन्होंने मौके से अफसरों को फोन लगाकर भी बात की। हर्षवर्धन सिंह चौहान ने संवाद सभा ग्राम बहादुरपुर, नागुलखेड़ा, हथनूर, गवहाना सहित अन्य गांवों का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। किसानों से नुकसान को लेकर चर्चा की। केले की गिरी फसल देखकर मौके से अफसरों को फोन लगाया। तहसीलदार रामलाल पगारे भी मौके पर पहुंचे। ग्राम बहादुरपुर में कुछ मकान भी क्षतिग्रस्त हुए। चौहान ने तहसीलदार श्री पगारे को क्षतिग्रस्त मकानों का सर्वे करने की बात कही। इस मौके पर बहादुरपुर सरपंच विजय माले, आकाश पाटिल सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। तो एक तो क्या है, यहाँ पर जो घटना घटी है, ये तो किस्मत अच्छी थी कि वो लोग सरकारी मकान में थे नहीं, नहीं तो वो भी करंट से झुलस जाते। दूसरा, इन्होंने इन्होंने सूचना भी की थी साहब, पर वो कहीं चूक उसमें हुई है। सूचना की थी, ये जो वायरमैन आया था सुरेश करके, जिन्होंने सूचना की है वो भी मेरे सामने खड़े हैं। यहाँ लोकल वायरमैन है सुरेश, वो आकर के देख कर गए थे। एक पड़ोस के मकान वाले को हिदायत देकर गए थे कि यहाँ रात मत रुकना, पर फिर भी वो लाइट चालू हो गई। तो वो तो अब किस्मत अच्छी कि किसी को कुछ नुकसान नहीं हुआ। मेरा ये कहना है कि इसको एक महीना नहीं, जितना जल्दी अपन शिफ्ट करा सकें कराना पड़ेगा था, क्योंकि ये तो सीधा सीधा जान का खतरा इनके सिर पर मंडरा रहा है। बिल्कुल, जो हमसे हो सकता है हम पूरा करेंगे। बस आपकी तरफ से आप फाइल जितनी तेज चला सकते हैं उतना चलाने का कष्ट करें। बुरहानपुर से शकील खान की रिपोर्ट।